नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं प्रेम खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ये दिखाने वाले हैं जो आलू की फसल हम लोग लगाते हैं उसमें एक बीमारी लगती है जिसे झुलसा होता है, एक अगेती झुलसा होता है, एक पछेती झुलसा होता है। तो उसमें कुछ पहचान होती है, उसमें है जो कौन सी हमें दवा डालनी चाहिए जो आलू की फसल के बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो उसमें बात करते हैं, हमारे साथ में एक हमारे सहयोगी हैं। सर आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। ये सर आलू की फसल जैसे होती है जी, तो उसमें झुलसा भी लगता है, अगेती भी लगता है, पछेती भी लगता है। तो उसमें अगेती में हमें इस समय तो जैसे पछेती झुलसा चल रहा है, जिस प्लॉट पे सर हम आए हैं इसमें पछेती झुलसा लगा है। इसमें है जो ये पत्ती जैसे काली सी पड़ रही है जी, तो जी, इसमें है जो ये पछेती झुलसा लगा हुआ जी, है जी। तो इसे रोकने के लिए हमें कौन सी दवा डालनी चाहिए? सर ये जो बीमारी होती है पछेती झुलसा आलू की, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है सर। ये 2-3 ही दिन में पूरे आलू का पाला जो होता है, जिसकी जो बड़बार होती है, सारी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये धीरे धीरे सर पहले पत्ती पे आती है, फिर तने पे, फिर आलू तक ये बीमारी पहुंच जाती है, जिससे कि ये आलू जो स्टोर करने में भी दिक्कत आती है, आलू सड़ने लगता है। आलू सड़ने, ये आलू की बहुत भयंकर बीमारी है और इसका रोकने के लिए सही समय पर सही दवाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी। अच्छा, जैसे बीमारी लग चुकी है, इसे डाल दिया तो ये उसमें रुक जाएगा, आगे फैलेगा नहीं? ये सर टेम्परेचर और मौसम पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए सबसे जो कारगर दवाई जो साबित हुई है वो बासप कंपनी का एक्रोबेट आता है जी, जी। जिसमें कि टेक्निकल नाम डाइमेथोमार्फ। डाइमेथोमार्फ जी। कितनी मात्रा डालनी चाहिए इसके? 200 ग्राम का पैकेट एक आता है, एक एकड़ के लिए। एक एकड़ में इसको प्रयोग करना चाहिए जी, जी। उससे कंट्रोल कर 150 से 200 लीटर पानी के लिए एक एकड़ में इसका प्रयोग करना चाहिए जी, जी। और हफ्ते से पहले या हफ्ते में दोबारा इसका रिपीट स्प्रे कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। इस तरीके से है जो किसान भाई इस दवा का प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये झुलसा की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी होती है आलू की फसल के लिए, ये लग जाए तो आलू की फसल पूरी ख़त्म हो जाती है और उसे हम लोग स्टोर भी नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था, आप इसको रोकथाम कर सकते हैं दवाइयों का प्रयोग करके। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो, कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।